तो दोस्तों आज मेरे पास आप लोगों के लिए YouTube से रिलेटेड कुछ न्यूज है जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो जरूर एंड तक देखना। तो बात करते हैं पहला न्यूज के बारे में। पहला न्यूज सौरभ जोशी के बारे में। शायद आप लोगों को पता होगा, कुछ टाइम पहले सौरभ जोशी ने प्रिया धापा यानी पिरू को अनफॉलो कर दिया था। फिर उसके ऊपर बहुत सारा लोग वीडियो अपलोड किए थे जहाँ पर लोगों ने बोला कि उन लोगों के बीच फाइट हो गया है, उन लोगों का ब्रेकअप हो गया है। तो उसी के ऊपर सौरभ जोशी एंड पिरू रिएक्ट किया। उन लोगों ने क्या बोला आप लोग खुद देख लीजिए। गाइस वैसे तो हमारी लड़ाई हो गई थी, हमने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। काफी लोग के न्यूज में भी आपने देखा होगा, बहुत कुछ हो गया था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था गाइस, वो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे भाई। ऐसे ऐसे लोगों ने पीरू को मैसेज किया पीरू को भड़काने के लिए, पीरू को बहुत कुछ। भाई मैं देख रहा क्या चल रहा है भाई। हम बहुत पहले साथ में, जब मैं कुछ भी नहीं था तब से हम साथ में, तो हम खतरनाक फैन मूवमेंट के बारे में बात किया। उसी के बारे में उन लोगों ने क्या बोला आप लोग खुद देख लीजिए। हम फैन से कहना चाहते, देखो जब भी हम अगर आपको रास्ते में मिल जाए, हम कार से कहीं जा रहे हैं, लड़के पहचान लेते हैं, तो वो जो एक तो कट्टर फैन है अपने, एक्साइटमेंट बहुत था उसे, एक्साइटमेंट इतना हो गया कि मैंने देख लिया नाजिम भाई, वसीम भाई, जैन भाई को, अब तो बस। तो उसने क्या, हम से बोल रहे हैं शीशा नीचे करके, तो भाई तू आगे रुक, ये सिंगल रोड है, हम तुझे सेल्फी दे देंगे। तो कार चला रहे हम और वो सिंगल ही रोड था, उसने जो थी अपनी गाड़ी भगाई, आगे पता नहीं डिवाइडर आया क्या आया, वो गिरा और बहुत ज्यादा ऐसा गिरता हुआ गया और उसके बहुत चोट लगी, खून निकल रहा। हमने गाड़ी रोकी, बिल्कुल रोड ब्लॉक कर दी हमने एकदम कि कोई आ ना जाए। तो जब वो उठा उसके खून निकल रहा है लिटरली, और सब में फटा पड़ा और कह रहा है एक सेल्फी दे दो। मैं पास गया उठाने तो वो मोबाइल निकाल के कह रहा है नाजिम भाई एक सेल्फी दे। मैं हालत तो देख, इसमें ज़ॉम्बी लग रहा है, ज़ॉम्बी का रोल मिलने वाला था। नेक्स्ट न्यूज फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। फ्लाइंग बीस्ट कुछ दिन पहले एक ट्वीट करके बोला था कि उनके तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। उसी के बारे में अपडेट देते हुए फ्लाइंग बीस्ट कुछ ये कहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैप्टन गौरव तनेजा और मैं हूं कैप्टन ऋतु राठी तनेजा। आप सबको आजादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी बधाइयां। जिस तरह आप देश के युवा अपनी कला से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक वैसे ही देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हम भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हम आसमान में भारत का सबसे बड़ा नक्शा बनाने का प्रयास करेंगे फ्लाई करके। मैं आशा करता हूँ इस जश्न में आप हमारे साथ जुड़ के हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। जय हिंद। जय हिंद। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।